हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश, आई एम योर फिजिक्स कोच। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वी नो इन chapter light, the imaginary concept of representation of light is a ray which represents the light propagation from one direction to another direction. But if we combine a number of rays in a specified direction, then this will be a form of beam. We know beam is a bunch of number of light rays. Similarly, electric flux is the combination of number of electric lines of force. So the definition is the number of electric lines of force crossing over a given area is known as electric flux. So let's know how to introduce this term. तो इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा, ये एक एरिया एलिमेंट है, जैसे ये प्लेन होगा, सर्कुलर प्लेन होगा, रेक्टेंगुलर प्लेन होगा। तो इस प्लेन में एक तरफ से हम अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को छोड़ देंगे, अगर ये एक प्लेन है, इसको हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पर से सोच लो कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो ये यहाँ एंटर करेगा और इधर से निकल जाएगा। यह परपेंडिकुलर हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जैसे भी हो, वो यहाँ से एंटर करके यहाँ से निकल जाएगा। उस एरिया में जो क्रॉसिंग हुआ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को, उसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन मैथमेटिकल। हियर वी टेक ए आर्बिटरी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट कंटेन्स नंबर ऑफ ऑल सरफेस एरियाज लाइक एज डी एस। नाउ वी नो द डिरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो इफ दिस इज द डी एस एलिमेंट, इट्स परपेंडिकुलर एलिमेंट दिस डिरेक्शन में जाएगा, ये होगा डी एस, ये डी एस का डिरेक्शन है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम छोड़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर करके जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डी एस के साथ एंगल कर रहा है थीटा। तो हमें उसको रिप्रेजेंट ऐसे करना है कि जो वो एरिया एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अमाउंट कितना होगा। तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग हो गया क्या, बॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दैट मीन्स इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। सो बाय यूजिंग टू वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वी रिप्रेजेंट ए टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो हाउ टू रिप्रेजेंट इट? वी नो if we take dot product of two vector quantity, this will give a scalar quantity. So now mathematically we can express the electric flux as the dot product of electric field and area vector. So d phi is equal to, d phi is the small amount of flux, so d phi is equal to ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस को हम कैसे लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, ये कैसे आएगा, ये डी एस है, ये ई है, तो ये थीटा है, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, बी बाई एच, यहाँ पर बी ये है, ये है एच, तो बी का वैल्यू कौन सा डायरेक्शन पे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ
सिमिलर हो जाएगा। तो हमें इस कंपोनेंट को, ये डीएस का कंपोनेंट यहाँ होगा यहाँ होगा, तो इस कंपोनेंट को हमें निकालना है। तो कैसे निकालने के, ये हो गया बी बाय एस में आ जाएगा डीएस का मैग्नीट्यूड। सो दैट्स व्हाई बी इज इक्वल टू डीएस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो गया ई डॉट डीएस का मतलब क्या है, ई का मैग्नीट्यूड, डीएस का मैग्नीट्यूड आ गया कितना, डी एस के वेक्टर का मॉड एंड कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन हो गया ई डी एस कॉस थीटा। तो नाउ दिस इज फॉर ए स्मॉल एलिमेंट, द फ्लक्स अमाउंट इज फॉर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट। इफ वी कैलकुलेट फॉर द होल ऑब्जेक्ट और द होल सिस्टम, वी इंटीग्रेट द स्मॉल एलिमेंट टर्म फ्रॉम मिनिमम लिमिट टू मैक्सिमम लिमिट। So here d phi is the minimum flux amount, so we integrate whole over the object, so d phi is equal to, यहाँ पर ds है, ds का मतलब क्या है, surface integral हो गया। हम एक चीज़ याद रखेंगे, surface integral को दो तरीके से हम represent कर सकते हैं। Either हमें ये लिखना है, integration का symbol देना है, और ये हो गया क्या, closed surface, closed surface के लिए ये सर्कल किया जाता है इंटीग्रेशन के बीच में, तो यहाँ पर लिख देना चाहिए एस। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन लेंगे और यहाँ पर एस लिखेंगे, ऐसे हम कर सकते हैं। एस लिखना नहीं, डबल इंटीग्रेशन का मतलब वो एरिया ही आ जाएगा और यहाँ पर क्लोज लूप कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, डबल इंटीग्रेशन एस, ये आ गया क्लोज, ये आ गया क्लोज, ये एस को निकाल देना। ई डी ई डॉट डी एस इज इक्वल टू फाइव और ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव। ये हो गया हमारा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन। तो एक चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फ्लक्स कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा। जब एक प्लेन को फ्लक्स परपेंडिकुलरली एंटर करके यहाँ से निकल रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लक्स जा रहा है। अगर फ्लक्स के साथ प्लेन भी इस तरह रह गया, ये रहा फ्लक्स और ये रहा वो प्लेन, तो सारे फ्लक्स इधर इधर चला जाएगा, यहाँ पर कुछ एंटर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो एरिया एलिमेंट बहुत थिन होगा। दैट्स व्हाई वी कंक्लूडेड दैट द फ्लक्स इज मैक्सिमम when the flux are perpendicular to the area element. If they are parallel to the area element, the flux amount is zero or minimum. How? यहाँ पर देखेंगे, ये जो area है, ये area का direction क्या होगा, perpendicularly upward होगा, तो electric field and ds के बीच में angle कितना हो गया 90। तो ई डी एस कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू अगर 90 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 जीरो, तो ये हो गया जीरो। इफ थीटा इज लेस देन 90, थीटा अगर 90 से कम हो गया तो क्या होगा, हम जानते हैं कॉस का वैल्यू जीरो से 90 तक पॉजिटिव भी आएगा, इसलिए ई डी एस कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एक्यूट एंगल में फाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर वो ऑप्टूज हो गया, यहाँ पर जो ऑप्टूज एंगल निकल आया है, कॉस ऑफ एन ऑप्टूज एंगल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, सो फाई इज इक्वल टू माइनस ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। दीज आर द क्लियर पिक्चर ऑफ दोज थ्री कंडीशंस। सो कंक्लूजन इज, इफ द डी एस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई, there is no electric flux enter to the surface or come out from the surface. So now we will discuss about some important concept before going to the very famous law, Gauss law. The term is called solid angle. तो ये solid angle का मतलब ये हो गया कि अगर हम एक 3D ऑब्जेक्ट में
जैसे 2D में एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक 3D ऑब्जेक्ट में एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम सॉलिड एंगल ही कहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो एंगल क्रिएट होता है वो एक लेंथ के थ्रू नहीं होता, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक एरिया के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर कोई लेंथ नहीं होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट हम लेंगे वो एक एरिया एलिमेंट होगा, वो एरिया एलिमेंट का शिफ्ट ही हमें देगा सॉलिड एंगल। तो द एंगल दैट सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर बाई एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस एंड इज नोन एज 1 स्टेरेडियन। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे। ये एक सर्कुलर सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, जो शिफ्टिंग हो गया वो शिफ्टिंग कैसे होगा, थीटा के थ्रू। ये जो थीटा है इसको हम मेजर करेंगे किसको रेफरेंस लेकर, इस सर्कुलर सरफेस का डायमीटर को लेकर। यहाँ पर डायमीटर हो गया ए सी, यहाँ पर डायमीटर हो गया ए बी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, स्पीयर का रेडियस हो गया कितना, स्मॉल। सो इन 2D वी रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ द सर्कल बाय थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज द आर्क लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर इज द रेडियस। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू आर होगा, आर का लेंथ रेडियस का लेंथ सेम हो जाएगा। हमें पता है कि एक सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना एंगल क्रिएट करता है, 2π एंगल। तो टोटल एंगल हो गया 360 डिग्री, यानी 2π एंगल। इसका मतलब जो आर्क है ये आर्क का मिनिमम लिमिट है 0, मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा 2π आर, उसको कहते हैं हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, एल बाई आर, एल के जगह में 2π आर लिखेंगे और रेडियस के जगह में आर लिखेंगे, तो आर आर कैंसिल हो गया, आ गया 2π। तो एक नॉर्मल एंगल जो प्लेन में हम देखते हैं, नॉर्मल एंगल होता है 2π रेडियंस। उस सिचुएशन का अगर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट में देखेंगे, सो दैट विल बी द सॉलिड एंगल। सो अगर हमें इस 3D ऑब्जेक्ट में जो 3D एंगल और सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर आएगा ये जो थीटा, हम वो जो प्रीवियस डायग्राम में दिखे थे, हमें इस पोर्शन को लेना है ए बी सी। ए सी हो गया डी एस के पार्ट का डायमीटर, ए बी हो गया डी एस प्राइम का डायमीटर, और ये जो एंगल क्रिएट हो गया इस एंगल के थ्रू एक ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस, ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर। इसको लेकर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा स्टे रेडियन और सॉलिड एंगल। तो ये हो गया थीटा, ए बी हो गया डी एस प्राइम का, ए सी है डी एस का, ये हो गया परपेंडिकुलर, शिफ्ट जो है एंगुलर शिफ्ट, ए बी इज इक्वल टू डी एस प्राइम। सो कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा, बी बाई एच, बी इज इक्वल टू डी एस प्राइम एंड एच इज इक्वल टू डी एस, तो डी एस प्राइम हो गया डी एस कॉस थीटा। स्टे रेडियन और द सॉलिड एंगल वी रिप्रेजेंटेड एज डी ओमेगा, ये है सॉलिड एंगल, वो ये है डी ओमेगा। उस डी ओमेगा वैल्यू कितना है, डेफिनेशन के अनुसार जो एरिया शिफ्ट हुआ है उसका रेशियो किसके साथ आएगा, रेडियस के स्क्वायर का है, तो रेडियस का स्क्वायर है आर स्क्वायर, एरिया हो गया डी एस कॉस थीटा, तो डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर हो गया डी ओमेगा। ये है स्मॉल सॉलिड एंगल, द ओमेगा द इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। सो डी ओमेगा इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो आंसर ये आएगा, कैसे, एरिया ऑफ स्पीयर हो जाएगा होल ओवर स्पीयर, एरिया का कितना वैल्यू कितना है, फॉर्मूला क्या है, 4π r² 4π r² बाय आर स्क्वायर हो गया 4π स्टेरेडियन। इंटीग्रेशन मेथड में डी ओमेगा हो जाएगा डी एस बाय आर स्क्वायर, जो स्मॉल एरिया बाय आर स्क्वायर हो गया, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे होल ओवर द सरफेस। होल ऑफ द सरफेस जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा कितना, ओमेगा डी एस बाई आर स्क्वायर कितना होगा, 1 बाय आर स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, डी एस का होल ओवर इंटीग्रेशन जो करेंगे वो कितना आएगा, स्पीयर का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, स्पीयर का जो एरिया है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4π r² सो 4π r²
बाय आर स्क्वायर हो गया 4π स्टेरेडियन। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर विल डिस्कस अबाउट द फेमस लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। इसका मतलब ये फ्लक्स को हम चार्ज के साथ कैसे रिलेट करेंगे ये हमें गॉस ने बताया। तो इसका प्रिंसिपल कहता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। फाई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी का मतलब क्या है, वो फ्लक्स को कितना परमिट करता है उस एरिया तक जाने का, उस एरिया के अंदर जाकर अदर साइड से निकलने के लिए वो कितना फ्लक्स को परमिट करता है उसको ही हम कहते हैं परमिटिविटी। वो मीडियम के अनुसार परमिटिविटी चेंज हो जाता है, जितना ज़्यादा परमिट करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर जाएगा, फ्लक्स का नंबर ऑफ फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। अभी देखते हैं गॉस लॉ को कैसे प्रूव करेंगे। सो नाउ विल टेक ए आर्बिट्ररी सरफेस, क्लोज सरफेस एस, एंड इमेजिन ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस। एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है वो कितना एंगल कर रहा है डी एस के साथ, थीटा एंगल। तो डी फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, हम पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, 1/4π0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो उस एक्सप्रेशन को इस ई के जगह पे डाल देंगे, 1/4π0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कौन कौन है, क्यू 1/4π0, ये सब कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल देंगे, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं इस टोटल को। तो यहाँ पर इसके जगह में हम डी ओमेगा लिख दिए, और वो जो डी ओमेगा है हमारा सॉलिड एंगल, उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा होल ओवर द सरफेस, पहले ही पढ़ चुके हैं हम 4π स्टेरेडियन। तो इसके वैल्यू हम 4π यहाँ पर पुट कर दिए, 4π कैंसिल हो गया, हमें आंसर आ गया q/ε0। तो फ्लक्स का वैल्यू चार्ज के वैल्यू के साथ तब इक्वल होगा जब एक 1/ε0 परमिटिविटी का रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज के साथ। दिस इज नोन एज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम गॉस लॉ का थोड़ा बहुत फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको हम कहते हैं जो नेसेसरी कंडीशंस फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ। सो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो हम प्लस टू में पढ़े थे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मतलब क्या है। अगर हम एक लाइन वाइज चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक लेंथ है, यहाँ पर चार्जेस है, हम एक एक चार्ज को तो नहीं गिन सकते, तो इसको हम एक बॉन्च अमाउंट में लेते हैं, उसको कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हम वॉल्यूम जैसे निकालते हैं डेंसिटी का, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये मास में आया। अगर उसे हम चार्ज के थ्रू लेंगे उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है वो एक या दो चार्ज नहीं, एक बॉन्च ऑफ चार्ज होता है, लेकिन उस चार्ज को हम कौन से एलिमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से एलिमेंट में स्टडी करते हैं उसके हिसाब से उसका नाम बदल जाता है। जैसे अगर हम एक लीनियर एलिमेंट में लेंथवाइज वन डायमेंशनल एलिमेंट में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय लैम्ब्डा। लैम्ब्डा मीन्स द रो डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्ब्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हो रहा है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही अगर हम एक सरफेस लेंगे, सरफेस के अंदर कितने चार्ज आया है उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय यूनिट एरिया। अगर हम उसका वॉल्यूम पे लेंगे, रो इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम पे आएगा
टोटल जार्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आ गया हमारा थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला कंडीशन आया यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म होगा, हर तरफ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। इसके बाद आ गया सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब होता है जो गॉस लॉ हम पढ़े हैं, गॉस लॉ में हमारा एक अजम्पशन होता है, हम जो भी ऑब्जेक्ट में चार्ज फ्लक्स उनका सब कैलकुलेशन करेंगे, पहले हमें एक गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करना पड़ेगा। उस गॉसियन सरफेस को अगर होल ओवर हम इंटीग्रेट करके निकाल देते हैं तो हमारा फ्लक्स भी आ जाएगा, चार्ज भी आ जाएगा। तो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस का मतलब है वो गॉसियन सरफेस सर्कल पे हो सकता है, स्फीयर पे हो सकता है, सिलेंडर पे हो सकता है, स्फेरिकल सेल में, हॉलो स्फीयर में होता हो सकता है, सॉलिड स्फीयर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रहा हमारा दो अजम्पशन और ये रहा हमारा थ्री सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री एंड प्लानर सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री स्फीयर पे आ जाए, सिलिंड्रिकल सिमेट्री लीनियर चार्ज पे आता है, प्लानर सिमेट्री हमारा सीट प्लेन सीट पे आएगा। तो इस तीन चीज़ को हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।